तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इस साइड का लाइव टोल लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अर्न किए 310 सतोशी यहाँ पे अर्न किए, जिसकी यूएस डॉलर पे वैल्यू होती है 0.17। एंड जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आपको विड्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है। विड्रॉल पे क्लिक करने के बाद देन आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको विड्रॉल लगाने के 3 मेथड आपको मिल जाते हैं, फोसट पे वॉलेट, डायरेक्ट वॉलेट एंड पेयर वॉलेट। तीनों वॉलेट का मिनिमम विड्रॉल सेम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फोसट पे वॉलेट का। तो सबसे पहले यहाँ पे फोसट पे वॉलेट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाते हैं। इसका मिनिमम विड्रॉल है जो कि 300 सतोशी का है। एंड फोसट पे वॉलेट पे आपको विड्रॉल लगाने के लिए यहाँ पे आपको अपनी फोसट पे वॉलेट के अकाउंट पेस्ट करना पड़ेगा। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट वॉलेट का। डायरेक्ट वॉलेट का जो कि मिनिमम विड्रॉल यहाँ पे आप दे सकते हो जो कि 10,000 सतोशी है। डायरेक्ट वॉलेट की मदद से आप कोई वॉलेट पे विड्रॉल लगा सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कोइन से वजीर एस कोइन डी सी एस गो, उस वॉलेट का यहाँ पे आपको बिटकॉइन का एड्रेस पेज करना है। अब बात करते हैं पेयर वॉलेट का। पेयर वॉलेट पे विड्रॉल लगाने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम अमाउंट होनी चाहिए 1,000 सतोशी होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो, जो कि पेयर वॉलेट के यहाँ पे आपको अकाउंट पेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैं विड्रॉल लगाने वाला हूँ फोसट पे वॉलेट पे, एंड जो कि मेरे पास यहाँ पे 310 सतोशी है। तो गाइस मैंने अपने फोसट पे वॉलेट की आईडी यहाँ पे लिंक कर दी है। अब मैं यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी करके रखा था। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया जो कि 310, एंड यहाँ पे विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। विड्रॉ पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं विड्रॉल सक्सेसफुल लग गया है 24 आवर्स लेटर। तो गाइस मुझे फोसट पे वॉलेट पे बिटकॉइन रिसीव हो गए जो कि 24 आवर के बाद रिसीव हुए है। इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर किया, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो जो कि क्रिप्टो एडमिन की तरफ से मुझे यहाँ पे 310 सतोशी रिसीव हुए हैं। डेट आपको दिखा देता हूँ 14 अक्टूबर 2021। अब मैं आपको साइड की तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो जो कि मैंने विड्रॉल लगाया था 13 अक्टूबर को, यहाँ पे विड्रॉल लगाया था और मेरे फोसट पे वॉलेट पे मुझे रिसीव हुआ था 14 अक्टूबर। साइड काफ़ी ट्रस्टेड है, इस साइड से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चैनल में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में जो शेयर करना। हमारा टेलीग्राम चैनल कैपिटेक हब ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज मैं यहाँ पे इम्प्रूव प्रोवाइड करता हूँ विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करते हो आप डायरेक्ट इस साइड पे पहुंच जाते हैं, तो आपको इस तरह का साइड का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो कितना यूनिक एंड अट्रैक्टिव इंटरफेस है। आपको किस तरह अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यूजर नेम पे यहाँ पे आप कोई भी नाम रख सकते हो, उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस डाल देनी, देन सिक्योर सा पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, देन आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपके ईमेल आईडी पे आईडी वेरिफिकेशन कोड जाएगा, वहाँ से अपनी आईडी वेरीफाई कर लेनी है, देन आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का साइड का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, ये डैशबोर्ड हो जाता है। इस साइड से आप डायरेक्ट रियल बिटकॉइन अर्न करते हो, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बैलेंस में यहाँ पे आपके टोटल अर्निंग शो होगी, वो भी सतोशी पे। एंड बैलेंस एस्टिमेट पे जितना आपने यहाँ पे बिटकॉइन अर्न किया उसका यहाँ पे कन्वर्जन शो होगा डॉलर्स पे। रेफरल्स पे यहाँ पे आपके टोटल रेफरल शो होंगे। अब बात करते हैं इस साइट द्वारा आपको कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं अर्निंग के। जैसे आप अर्न पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सर्फ एड, विंडो एड्स, वॉच वीडियो, फोसट, शॉर्टलिंग, रिडीम कोड एंड टास्क का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप यहाँ पे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं सर्फ एड्स की। यहाँ पे आपको डेली की 14 एड्स देखने को मिल जाती है जो कि एवरी 24 आवर के बाद रीसेट होती है। यहाँ पे मैंने 1 एड्स वॉच कर दिया, तो ये आप देख सकते हो किस तरह ऐड वॉच करनी, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी एड्स के सामने यहाँ पे सतोशी मेंशन किए गए एंड टाइमर मेंशन किया गया। यहाँ पे मैं 10 सेकंड की एड है वो वॉच करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ओपन पे क्लिक करना है, आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा एंड आपको प्रीवियस पेज पे चला जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टाइमर सा चल पड़ा है एंड ये टाइमर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको क्लेम करना है, कोई यहाँ पे कैप्चा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कंफर्म का ऑप्शन आ गया है एंड आप उसको आप कट कर सकते हैं। एंड ये आप देख सकते हो कंफर्म पे मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वेट कर लेना। एंड ये आप देख सकते हो जो कि 1 सतोशी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। इस तरह आपको सभी एड्स को वॉच करनी है। तो गाइस अब बात करते हैं विंडो एड्स की। ये भी डेली की आपको 6 एड्स देखने को मिल जाती है। सभी एड के सामने यहाँ पे टाइमर एंड सतोशी मेंशन किया गया जितने आपको रिसीव होंगे। जैसे मैं आपके सामने दिखा रहा था किस तरह ऐड वॉच करनी है, यहाँ पे ओपन का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज अभी ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन होगा, यहाँ पे टाइमर से मेंशन किया गया है, ये आप देख सकते हैं चल पड़ा है एंड वेट कर लेना। तो आप देख सकते हैं ये टाइमर कंप्लीट हो गया, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर दे, तो अब आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा एंड इसको आप यहाँ पे कट कर सकते हैं एंड प्रीवियस पेज पे आपको चला जाना है।
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि वन शतोशी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। इस तरह आपको सभी एड्स को वॉच करनी है जिससे आप यहाँ पे काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं वीडियो एड्स की, ये आपको डेली के 1 से 2 एड्स देखने को मिल जाएगी। करंटली मेरे पास यहाँ पे 1 एड्स अवेलेबल है, तो ये आप देख सकते हैं 10 सेकंड की वीडियो प्ले करने पे यहाँ पे मुझे 1 शतोशी मिलेंगे। सिंपल सा है, यहाँ पे आपको वॉच पे क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो चल पड़ेगी विदाउट स्किप, 10 सेकंड आपको वॉच करना है एंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो गाइस अब बात करते हैं फोसेट क्लेम की, यहाँ पे आप एवरी 1 आवर पे क्लेम कर सकते हैं 1 शतोशी। यहाँ पे आपको क्लेम नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, देन आपके सामने रीकैप्चा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 शतोशी यहाँ पे क्लेम हो गया। इस तरह यहाँ पे आप एवरी 1 आवर पे यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। ये आप देख सकते हो टाइमर सा ये भी चल पड़ा है। इसे बात करते हैं शॉर्ट लिंक की, ये आपको डेली के 10 शॉर्टलिंग आपको मिल जाते हैं। सभी शॉर्टलिंग के आपको यहाँ पे 1 शतोशी मिलेंगे जो कि ये एवरी 24 आवर के बाद रिसेट होते हैं। किस तरह वॉच करनी बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ। विजिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो इस तरह का पेज ओपन हो गया एंड यहाँ पे कंटिन्यू का टैब मिल गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये टाइमर सा चल पड़ा, ये 10 सेकंड का टाइमर है एंड ये कंप्लीट होने के बाद जो कि ये हमारा लास्ट स्टेप था एंड यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हो गेट लिंक पे, आप देख सकते हो यहाँ पे 1 शतोशी यहाँ पे सक्सेसफुल क्लेम हो गया। इस तरह यहाँ पे आपको सभी शॉर्ट लिंक को आपको वॉच करना है जिससे आप यहाँ पे इस ऑप्शन से भी काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में सभी मेन ऑप्शन आपको बता दिए इस सेट से किस तरह यहाँ पे अर्निंग करनी है एंड आपने यहाँ तक वीडियो वॉच किया आपका बहुत ही शुक्रिया। मैं इसी तरह लिए आपके लिए वीडियो ले आता रहूंगा। चैनल में नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड में जो शेयर करना। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।